तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत और बारिश हो रही है बहुत दबा के। भैया नैनीताल जो कोहरा लगा हुआ बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं पर कुछ है करके कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। कोहरा लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं हूँ नैना देवी मंदिर में और यहाँ पर गुरुजी भी हैं, उनसे पूछेंगे नैना देवी माता जी का इतिहास। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत और बारिश हो रही है बहुत दबा के। घर से ही बारिश हो रही थी जैसे मैंने आपको बताया, घर मेरे कपड़े कुछ और थे जिसमें मैंने बनाया था, ये कपड़े मैंने पहन लिए क्योंकि मुझे जाना है लंबा, बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है, सफ़र में बने रहें। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं खैरना पुल, अभी हमारा आगे का सफ़र जारी रहेगा क्योंकि आप बने रहें, बहुत सुंदर ब्लॉग होने वाला है। अभी हमें कहाँ जाना है वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। चलिए चलते हैं आगे। ये खैरना पुल और ये खैरना की मार्केट और नदी में देख सकते हो पानी बिल्कुल ये है। ये है कोसी नदी देख सकते हैं और कोसी में भी पानी है पर उतना नहीं है, लेकिन लगातार बारिश हो रही थी घर से निकलते समय, अभी तो बारिश कम हो गई है। ये है खैरना की मार्केट। ओ सामने जो मंदिर दिख रहा है ना वो है कोई और रोड है, वो ये गांव को जा रही है। और चले अब निकलते हैं आगे। ये है, ये पुल है ना, पुल के ठीक बगल पर एक पथवे बना रखा है लोगों को पैदल जाने का रास्ता, ये बहुत अच्छा है क्योंकि लोग जो है गाड़ियाँ रोड में चलेंगे और पथवे से इधर उधर ईजी गोइंग आदमी जा सकता है। ये भैया खैरना मार्केट है, तो दोस्तों ये है कैंची धाम पे, कैंची धाम, कैंची धाम हम पहुंच गए। बाबा नीम करौली जी जी का मंदिर और धाम यहीं पर वो रहा करते थे, यहीं पर उन्होंने तपस्या करी और देखा आपने हज़ारों की संख्या में उनके भक्त और शिष्य यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। फाइनली दोस्तों मैं हूँ मुख्य गेट पर, बाबा नीम करौली जी महाराज का आश्रम और मंदिर यहाँ पे है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे सीढ़ियों से धीरे धीरे, आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, देखिए मौका मिलता है तो दर्शन जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग फोटोज और वीडियोज बना रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं दर्शन करके आ चुका हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो खींचना मना है, इसलिए मुख्य गेट के बाहर से हमने वीडियो भी बना रहे हैं और फोटो भी खींच रहे हैं और दर्शन हो चुके हैं नीम करौली बाबा जी के। भैया आए हैं गोरखपुर से, भैया नाम? कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह, कुंवर प्रताप सिंह जी हैं। और कितने लोग आए हैं? चार लोग हम लोग आए हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गए अभी? अभी रात में बस हल्द्वानी रुके थे हम लोग। अच्छा, अभी से डायरेक्ट यहाँ पे कैंची धाम, इसके बाद आगे पहाड़ में? आगे बस यही जो है जो दाल है जो भी नैनीताल और नैनीताल। चलिए और सब बढ़िया, कैसे लगा पहाड़ में? बहुत अच्छा, तो आगे भी बहुत अच्छा है पहाड़ में अगर निकालेंगे तो। आजकल बरसात भी हो रही, देख लीजिएगा अपने साथ, और सब बढ़िया। चलिए ठीक है भैया, फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं और गाड़ी वाले भी वेट कर रहे हैं हमारा। पहले कर दिया। ये है दोस्तों हवाली मार्केट, हवाली पहुंच चुके हैं हम लोग, देखिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं नैनीताल, ये है ठीक सामने देख सकते हो झील है ना, और झील देख सकते हो, झील में कितना दिखाई नहीं दे रहा है, झील बहुत लंबी झील है, ये कोहरा लगा हुआ है।
और आगे ये है आगे के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हैं। छाता भी निकाल दिया भाई लोगों ने बाहर ही, नैनीताल में ही मिला। नैनीताल की सड़कों में गाड़ियों से पैदल ज्यादा लोग दिख रहे हैं, सबने हाथ। और यहाँ पर ये लेते हैं, ये काय का हुआ, ये वाला टूल है ना, 100 रुपए। ये पूरे दिन के लिए हुआ? नहीं, वन टाइम रहता, अंदर जितनी बार एंट्री करते हो उतनी बार देना पड़ता। अच्छा, जितने बार एंट्री करेंगे उतने बार देना पड़ता। चलिए, नगर पालिका का हुआ। चलिए, तो यहाँ पर 100 रुपए हमको टैक्स भी देना पड़ा यहाँ अंदर मार्केट घुसने के लिए। तो ये होता है, जितनी बार गाड़ी वापस जाएगी उतनी बार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन का 100 रुपए, अगर हम दूसरी बार मुड़ के फिर उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे तो फिर देना पड़ेगा, है ना। ये दोस्तों, मैं हूँ नैना देवी मंदिर में और यहाँ पर गुरुजी भी हैं, उनसे पूछेंगे नैना देवी माता जी का इतिहास जितना भी होगा संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास हम लोग करेंगे। गुरुजी बताइए। हाँ जी, ये शक्तिपीठ माँ नैना देवी, ये आपके माँ नैना देवी है शक्तिपीठ में। इधर माँ सती का जो है बायानेत्र इसी स्थान पर गिरा था, दायानेत्र आपके हिमाचल में, माँ नैना देवी वहाँ पिंडी रूप में, इधर मूर्ति स्वरूप में है। तो एक काम शक्तिपीठ में माँ नैना दुर्गा का स्वरूप है। यहाँ पर सेहरा वाली जब आपका यज्ञ हुआ था दक्ष प्रजापति, तो माँ सती जब हवन कुंड में कूद गई थी तो उनके पाठ से जहाँ जहाँ गिरे तो वहाँ पे दुर्गा, ये शक्ति दुर्गा के काम शक्तिपीठ में जाने जाती हैं। जैसे आपके नैना देवी है, ज्वाला जी है, कांगड़ा जी है, उसी में एक माँ का बाएं नेत्र इसी स्थान पर गिरा था, माँ नैना देवी सामने, बगल में सरस्वती, फिर इधर माँ लक्ष्मी, बाएं नेत्र आपके इसी स्थान पर गिरा था। दाएं नेत्र आपके हिमाचल पंजाब में पड़ता है, बिलासपुर पर, वहाँ पिंडी स्वरूप में है, इधर मूर्ति स्वरूप में है। जय माने न। ये देखिए बोट, आज बोट खाली खाली है क्योंकि आज पर्यटन कम ही दिख रहे हैं। 2-4-6 बोट ही ऐसे हैं जिसमें पैसेंजर जा रहे हैं। और ये है मंदिर परिसर का भाग, ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में आए हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। तो ये है नैना देवी मंदिर का सुंदर नज़ारे। दोस्तों, हमें नैना देवी मंदिर दर्शन कर लिए हैं, मैंने नैना देवी के, और फोटोग्राफी होगी वीडियोग्राफी भी होगी। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे लेक है, इतनी बड़ी झील है,
बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगी। और रिमझिम बारिश भी हो रही, तो बहुत सुहाना मौसम हो रखा है। और क्योंकि दोस्तों हमको अभी निकलना भी है, तो सोचा कि चलिए आज लेक में भी चले जाते हैं, क्योंकि लेक जो है नैना देवी मंदिर से सटा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, दर्शन करने के बाद लेक के दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये है लेक, और मछलियाँ भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं।